बिना पेन के डिग्री लेने आया हूँ मैं। कॉलेज में लोगों ने बस टाइम पास नहीं करना चाहिए, अगर डिग्री रेडी है तो दे देना चाहिए उन्होंने। मैं यहाँ पर आया था उस टाइम पे बारिश नहीं थी, अभी बारिश उतनी बड़ी नहीं है लेकिन है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट माय कॉलेज आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ ना, वहाँ से हम लोग चल के जाते थे, चल के यहाँ तक आते थे। इसको फाटा बोलते हैं, लोनेरे फाटा, और यहाँ से ऑटो लेके जाते थे। कभी कभी ऑटो लेते थे, नहीं तो कभी कभी चल के ही जाते थे। आप अभी 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो चल के जाना पड़ता था। यहाँ से ऑटो लगते हैं, ये वाले ऑटो कॉलेज को ही जाते हैं। हम लोग ये रोड से किसी को, मान लो अभी कोई सिंगल जा रहा है तो उसको लिफ्ट मांगते हुए जाते थे, तो कोई लिफ्ट दे देता था तो बढ़िया रहता था, अगर किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो चल के जाना पड़ता था। सो इट वॉज द कॉलेज डेज, रिमेम्बरिंग नाउ। एक साल में यहाँ पे हॉस्टल पे था। अरे यार, सुतार सर गए क्या गाड़ी पे? सुतार सर ही थे मेरे को लग रहा है। एक साल में हॉस्टल पे था फर्स्ट ईयर वाला, और बाकी के 3 साल हम लोग बाहर थे। एक साल जो है वो केसर कर करके थे, उनके पास रहते थे हम लोग, और 2 साल अपने पास्टे काका के पास रहते थे जहाँ पे मैं अभी गया था। 4 साल ऐसे बीते हुए हैं अपने। इधर हॉस्टल्स इधर साइड है, हॉस्टल भी है और स्टाफ के कैंपस भी है उधर। और सह्यगिरी एक हॉस्टल है और गगनगिरी है। सह्यगिरी जूनियर्स के लिए है, गगनगिरी सीनियर्स के लिए है। ऑलमोस्ट सभी को, फर्स्ट ईयर वाले जितने भी आते हैं सह्यगिरी में, सबको एडमिशन मिल जाता है, ऑलमोस्ट सबको मिलता है। जिसको नहीं मिलता उनको फाटे पे रहना पड़ता है उधर, लोनेरे फाटा पे, और ऐसे चल के जाना पड़ता है। ऐसी कॉलेज लाइफ कोई नहीं जीता यार, सिर्फ लोनेरे वाले लोग जीते हैं। बताओ कौन, मतलब किसका कॉलेज है ऐसा बताओ। मतलब एक आउटस्टैंडिंग थिंग है यहाँ पे अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग थिंग, जहाँ पे आप नेचर का भी मज़ा ले सकते हो, कोकन कल्चर आप यहाँ पे रह के आप इंजॉय कर सकते हो, एंड कॉलेज तो बढ़िया ही है। अभी दिखाऊँगा मैं आपको कॉलेज। सबसे पहले अपन जाएंगे कॉलेज में, डिग्री वाले कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट में। ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टेचू है। बहुत सही, बहुत सही, एक नंबर। कैसे आ रहा है? इधर बारिश नहीं है। बहुत सही बनाया है, बहुत सही। अभी कैमरा पे पानी लग गया होगा तो ठीक से वीडियो की कैप्चर नहीं हो रही होगी, आई एम नॉट श्योर। लगा ही था मेरे को कैमरा पे पानी होगा। दिस इज आवर यूनिवर्सिटी। दिस इज माय यूनिवर्सिटी। कलरिंग किया है, पार्किंग वार्किंग मस्त बनी है फॉर लेडीज़ ओनली। और इधर क्या है, चलो पार्क करते हैं गाड़ी। यहाँ से मैंने अभी एंटर किया है, एंड ये है एंट्रेंस कॉलेज की। कॉलेज नहीं बोलूँगा मैं, यूनिवर्सिटी बोलूँगा, क्योंकि कॉलेज बोल के मैं छोटा नहीं ठहराना चाहता। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। बहुत खूब है यार, ये नहीं था पहले जब हम थे, संविधान बनाया हुआ है। बारिश होती है कभी कभी, यहाँ से निकलता है पानी नीचे। सुकून मिल रहा है। देखो यार, कैंपस हमारे कॉलेज का, कभी सोचा नहीं था मैं अपने कॉलेज में भी ब्लॉग बनाऊंगा।
यहाँ पे फोर्ट्स वगैरह बनाते हैं जब शिव जयंती होती है तब। भाई साहब स्टूडेंट सेक्शन तो बंद है अभी, मतलब आई थिंक लंच ब्रेक चल रहा है, 2 तो बज गए हैं, मेरे को लगता है 2:30 बजे तक तो खुला हो जाएगा। इसका नाम था वाइट टाइल्स, यहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठते थे हम लोग, ये नहीं था पहले, अभी बनाया हुआ है ये नया, देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं अपन, और वहाँ पे शेड भी था, अभी कोई बैठा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे बैठो पढ़ाई करो, ऐसी सीनरी आप देख सकते हो पढ़ाई करते करते। यहाँ पे बेंचेस भी डाले हुए हैं, बैठ सकते हैं, और सेम ऊपर के फ्लोर पे भी है, बढ़िया यार। ऐसा दूसरे कोई कॉलेज में होता होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा हटके ही है पहाड़ों के बीच। टी मिलेगी एग्ज़ाम सेशन में, टीसी मिलेगी स्टूडेंट सेक्शन में। हाय सर, काम था। ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि अभी एक सर मिले थे मेरे को, बहुत हेल्पफुल है वो, एग्ज़ाम सेक्शन के ही है, लेकिन अभी एग्ज़ाम सेक्शन में कोई नहीं है डिग्री देने वाला, तो तब तक अभी लंच ब्रेक हो गया, तो तब तक मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, कोई टीचर मिलते हैं क्या देखते हैं, पहचानते हैं क्या देखते हैं, और अगर पहचानते हैं तो फिर मिल लेंगे। वाह क्या यादें ताज़ा हो रही है, पता नहीं कौन कौन है, कौन कौन मिलेगा, कौन कौन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भरड़ मैम की कैबिन थी, वो नहीं है, यहाँ पे सोनाली भरड़ वो नहीं है, बाबुल गावकर सर की यहाँ पे भी थी लेकिन नहीं है। ये नीचे लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। मैं लंच टाइम पे आया हूँ, मैं गलत टाइम पे आया हूँ। यहाँ पे अपने एचओडी शिवाजी राव जाधव, अपने सुतार सर, उनकी केबिन है, यहाँ पे सुतार सर की केबिन है, और कदम सर इधर है, शिवाजी राव जाधव की केबिन, कोई भी नहीं है। हिवरे मैम है इधर, हिवरे मैम को मिलते हैं, तक मैडम लोग ही मिले हैं मेरे को, टीचर कोई नहीं मिला, तो 2-3 मैम को मिलने हो गया, बर्फे मैम से मिला, हिवरे मैम से मिला, और प्रणीता जाधव मैम से है, अभी दूसरे किसी से मिला नहीं हूँ मैं, और उनके साथ मैं मतलब वीडियो तो नहीं कर पाया। अब देखते हैं एग्ज़ाम सेक्शन में डिग्री मिलती है क्या। मिल गई है एलसी, मिल गई है, अब डिग्री सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए एलसी का जेरोक्स लगेगा, बहुत यार कागजात कागजात करके ज़िंदगी में बहुत दिन हो गए थे कागजात कागजात करके, अब करना पड़ रहा है। यहाँ पर जेरोक्स निकालते हैं, उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, और जाते हैं सीधा एग्ज़ाम सेक्शन। ऐसा खतरनाक दिमाग है मेरा, पेन लाया हूँ और वो अपनी टैंक बैग है उसमें था पेन, उसी में रह गया, बिना पेन के डिग्री लेने आया हूँ मैं, और अपने को एलसी तो मिल गया, अभी डिग्री का देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली अभी 4:45 बज रहे हैं और अपने को डिग्री मिल गई है। अपने साथ है करण, करण है यहाँ पे 3rd ईयर में पढ़ता है अभी, और अपना काम हो गया है, इम्पोर्टेंट काम था ये डिग्री का, अभी काम तो हो गया है, यहाँ से अब जाना है फ्लैट पे, हो फाटे पे, फ्लैट पे आ रहा है, बहुत परेशानी होगी, डॉक्यूमेंट्स नचाने पड़ते हैं, जो भी डिग्री का काम होता है या फिर एजुकेशनल जो भी होता है उसमें नचाना तो पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, तभी अपना काम होता है, नहीं तो नहीं होता। मेरा मार्कशीट का जेरोक्स नहीं था मेरे साथ में, मार्कशीट का जेरोक्स लगता है, फाइनल ईयर मार्कशीट का जेरोक्स अगर हो तो वो जल्दी दे देते डिग्री, तो जुगाड़ करके मिल गया। टू द यूनिवर्सिटी, पता नहीं बाद में कब आऊँगा।
इधर से एक शॉर्टकट था, हम हॉस्टल जाया करते थे, अभी भी होगा लेकिन अभी बारिश का मौसम है, वहाँ पे एक ओढ़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए अभी कोई जाता नहीं होगा वहाँ से। ये भी हॉस्टल पे रहता है लेकिन रोड से जाता हो। चलो लेट्स मूव। दिस इज़ गगनगिरी हॉस्टल, यहाँ पे अभी करण रहता है और अपना और इसका कोई संबंध नहीं आया था कभी, लेकिन अपना संबंध आया था सहयागिरी का, उधर जाते समय जाएंगे। चलो बाय बाय। ये है सहयागिरी, इधर पैटिस मिलता है, अगर कोई बाटुयन है, बाटू का कोई है और जिसने यहाँ पे पैटिस खाया हुआ है तो उसको याद होगा वहाँ की टेस्ट। और ये सहयागिरी हॉस्टल है जहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में रहता था, पुरानी यादें यही है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में उस साइड मेरी रूम थी और इस साइड वॉशरूम। कुछ भी, शाम को ऐसे टाइम मिलता था उस टाइम पे हम लोग इधर आते थे। इधर भी एक छोटी सी कैंटीन है, अंदर है, पता नहीं अब चालू है कि नहीं है लेकिन पहले थी, वहाँ पे भी जाया करते थे। मैं यहाँ पे आके बैठा करता था, बहुत पुरानी यादें है। एक दिन था इसी रोड पे हम लोग चल के जाया करते थे कॉलेज को या फिर फाटे पे, अराउंड ढाई तीन किलोमीटर का रोज का हमारा चलना होता था। ना ही मेरे पास साइकिल थी ना ही कुछ था, लेकिन अब अच्छा लगता है अपने पास बाइक है। अच्छा क्या भाई, तू तो पहचानेगा नहीं मेरे को, पता है दीदू।